हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, यूनिट फोर। स्टूडेंट, आज हम आपको चेक योरसेल्फ कराएंगे और जी इसका पेज नंबर है जी 37, पेज नंबर 37। स्टूडेंट, चेक योरसेल्फ क्या होता है? जो भी यूनिट, इस यूनिट में आपने जो क्वेश्चन किए है ना, आप ये देखेंगे कि इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं वे आपसे करने आए या नहीं। तो स्टूडेंट, अपने आप की जांच करनी है हमसे कितना आया यूनिट फोर में, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, आज इसे कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, इसी के साथ ही आपका एफ ए वन का जो सिलेबस है वो भी यहीं पर समाप्त हो जाता है ना, और यूनिट फोर से आपका एफ ए टू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट, ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना। अब इधर थ्री नंबर दिए गए हैं, इक्वल से पहले थ्री नंबर दिए गए हैं, इक्वल के बाद टू नंबर दिए गए हैं। स्टूडेंट देख लीजिए, इसमें कौन सा नंबर ऐसा है जो इधर नहीं है इक्वल के बाद? 30 वाला ये रहा, 20 वाला ये रहा, और 15 वाला नंबर इधर नहीं है। तो स्टूडेंट हम इसे इधर लिख देंगे, ठीक है जी, हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, इधर 1 2 इधर ब्लैंक्स है, 1 2 3 इधर 3 नंबर है, तो देख लीजिए इधर कौन सा नंबर नहीं है। 32 वाला है ये रहा, 28 वाला है ये रहा, तो ये नहीं है स्टूडेंट 10 वाला, तो हम इसे इधर लिख देंगे 10 41 और जी 21। ओके स्टूडेंट, तो हमने ऐसे ही करने होते हैं ये सारे क्वेश्चन। अब स्टूडेंट ये डिजिट दी गई है, प्लस का चिन्ह है, फिल इन द ब्लैंक्स है और आगे आंसर है। तो स्टूडेंट अब हमें ये नहीं पता हम यहाँ क्या लिखें, तो हम स्टूडेंट आंसर की आंसर को देखेंगे। तो देखो 732943, तो आंसर स्टूडेंट वही है जो जिसमें हमें ऐड करने के लिए दिया गया है। ऐसा तभी होता है जब किसी नंबर में हम जीरो को ऐड करते हैं तो वही नंबर सेम का सेम आंसर आता है। तो स्टूडेंट अगर आंसर सेम आ रहा है तो आप समझ लीजिए यहाँ जीरो ऐड है, यहाँ जीरो ऐड हुआ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट 1 2 3 3 नंबर है और इस साइड स्टूडेंट 2 नंबर है, तो देख लीजिए कौन सा नंबर इस साइड नहीं है। 98 वाला है, 24 वाला भी है, तो स्टूडेंट ये नहीं है 54 वाला, तो ये 54 वाला नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। नहीं तो हमने स्टूडेंट आपको दूसरा मेथड भी बता रखा है, आपको इन तीनों नंबर को ऐड कीजिए और इन दोनों को ऐड कीजिए, इसमें से इसका जो आंसर आएगा उसमें से ये आंसर माइनस कर दीजिए तभी आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट आपको ये बताना है कि जो ये वाक्य दिए गए हैं ये अगर ट्रू है तो आगे इनके आगे आपको टी लिखना है, अगर ये फॉल्स है तो आपको इनके सामने एफ लिखना है, या आप ट्रू फॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी स्टेटमेंट क्यों ट्रू होता है, अगर क्यों फॉल्स होता है। ओके स्टूडेंट, ये बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। चलो देखते हैं जी, द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ द एड एंड। ये कह रहा कि अगर कोई भी दो एड एंड है, देखिए स्टूडेंट जैसे ये 5 और ये है ना, मैं जी ऐड कर रही है, तो स्टूडेंट जो 3 और 5 है ये दोनों एड एंड है ना, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे इनका नंबर इन दोनों से हमेशा बड़ा होता है, ये कह रहा है ना। क्या कह रहा है कि इनका नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो ये बात ट्रू है। स्टूडेंट आप सोच सकते हैं कि अगर आप किसी नंबर में जीरो ऐड करें
तो फिर फाइव ही रहेगा, अब ग्रेटर होता ही नहीं है, है ना। तो स्टूडेंट हम आपको बता दें, जीरो कोई नंबर भी नहीं होता, है ना। जीरो का मतलब तो कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ ये जीरो नहीं है फिर भी ये फाइव ही है ना। तो इसलिए अगर हम कोई भी दो नंबर या तीन नंबर कभी भी ऐड करेंगे तो वो जितने भी उसके ऐड एंड होंगे, जो उनका सम होगा, टोटल होगा, वो हमेशा उससे अधिक ही होगा, ठीक है जी। तो ये बात, ये स्टेटमेंट ट्रू है आपका। तो आप यहाँ पे टी का निशान लगाएंगे। वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द एड एंड। स्टूडेंट जो एड एंड होते हैं हम उनके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से मतलब है स्टूडेंट कि उनके, अगर हम मान लीजिए आपने यहाँ फाइव लिखा और यहाँ टू लिख दिया, अगर आप इनके ऑर्डर चेंज कर दे, ऊपर टू लिख दे, नीचे फाइव लिख दे, और माइनस का क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट गलत हो जाएगा ना, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ थ्री टू फोर है स्टूडेंट, आप इन्हें ऐड कर रही तो क्या आंसर आएगा, थ्री टू फाइव, फाइव और फोर नहीं। अगर स्टूडेंट आप इनके ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यहाँ फोर लिख देते हैं, यहाँ टू लिख देते हैं, यहाँ थ्री लिखते हैं, तो स्टूडेंट फिर भी नाइन ही रहेगा, है ना। अगर आप यहाँ पे टू, यहाँ फोर और यहाँ थ्री लिख देते हैं तो भी स्टूडेंट नाइन ही रहेगा। तो अगर जो ऐड वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर उनका हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ओके स्टूडेंट, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है, ठीक है जी। अब है जी, द सम ऑफ ए नंबर एंड वन इज द नंबर इटसेल्फ। ये कह रहा द सम ऑफ ए नंबर एंड वन, कोई भी एक नंबर है और उसका और वन, उसका जो सम है वो वन ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, या जो नंबर है, नहीं, जो वन है ये ही रहेगा, इट सेल्फ रहेगा। तो ऐसा कब होता है स्टूडेंट, ऐसा तब होता है जब हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो वो नंबर स्वयं रहेगा, इट सेल्फ रहेगा, है ना। तो ये कह रहा कि वन जोड़ने के बाद भी इट सेल्फ रहेगा किसी नंबर में, नंबर कुछ तो हो गई ना, वो भाई टू फाइव थर्टीन फोर्टीन कुछ तो नंबर होगा जिसमें हम वन ऐड करेंगे, तो वही नंबर कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता। वही नंबर रहने के लिए तो हमें उसमें जीरो ऐड करना होगा, है ना। तो ये फॉल्स है। द सम ऑफ टू नंबर रिमेन द सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर। स्टूडेंट नो कह रहा कि दो इवन नंबर ले लो, है ना, दो इवन नंबर ले लीजिए, है ना, ये इवन नंबर है दोनों। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो इनका जो सम है, जोड़ है, वो फिर भी सेम ही रहेगा, है ना। जैसा एट टू ट्वेल्व है ना, ट्वेल्व ही आया इवन नंबर में। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये यहाँ पे ट्रू है। अगर आप इसे एट को ऊपर लिख देंगे, नीचे फोर लिख देंगे, तो भी ट्वेल्व ही आएगा इवन नंबर में, है ना। तो इसलिए ट्रू है। तो समझ में आ गई होगी आपको ये। अब है जी मैचिंग, क्वेश्चन नंबर थ्री, मैच। मैचिंग स्टूडेंट क्या है, 19 वंस है। तो अगर 19 वंस है तो आपने पढ़ा है कि भाई इन्हें रीग्रुप करने होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो रीग्रुप करने के लिए यहाँ वंस लिख रहा, तो यहाँ भी वंस ही लिखेंगे, वंस टेंस। तो कितना हो गया स्टूडेंट, वन तो हो गया टेन और नाइन हो गया वंस। अब देख लीजिए ऐसा कहीं लिख रहा क्या, तो देख लीजिए लिख रहा स्टूडेंट, वन टेन नाइन वंस, तो ये इससे मैच होगा। तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे, ठीक है जी। 4273 में जीरो ऐड कर दिया, तो स्टूडेंट सेम का सेम यही आंसर आएगा। अब ये आंसर देख लीजिए कहाँ लिख रहा, तो स्टूडेंट आपको ये यहाँ मिल जाएगा,
4273 यही भी यही लिख रहा था, तो हम 1 को 20 से मैच कर देंगे। ठीक है जी। अब सी वाला देखिए, 6325 में 100 ऐड करनी, तो 100 प्लेस पर 1 ऐड होगा, तो स्टूडेंट 63 है तो 64 हो जाएगा, है ना, तो 6425 हो जाएगा। तो कहाँ है जी, ये रहा, तो यहाँ आप सी लिख दे दें। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये नंबर दिया हुआ है और ये नंबर यहाँ पे है, बस इनके क्रम चेंज कर दिए गए, ऑर्डर चेंज कर दिए गए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे डी लिख दें। ठीक है जी, तो ये आपका जो मैचिंग थी ये भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है जी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट आपको 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन राइट है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है जी, तो आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। 0 एडिड टू 4172। अगर हम 4172 में, स्टूडेंट ये 4172 है, अगर इसमें हम 0 ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, आप जानते हैं अगर किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो सेम का सेम नंबर ही आंसर होगा। तो देख लीजिए आपका है स्टूडेंट, देखिए 4411772 तो यही आंसर है। द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, तो स्टूडेंट आप जानते हैं जो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं वे हमेशा 99 से बनते हैं, है ना, 99 से बनते हैं, तो क्या कहा इसने, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्टूडेंट ये 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। अब 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर हमेशा 9 से बनेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर 10 से बनेंगे, तो स्टूडेंट इनका सम कह रहा, तो आप इन्हें ऐड कर लीजिए, स्टूडेंट ये कभी भी क्वेश्चन याद नहीं होते, इन्हें सोल्व करके ही देखना पड़ता है, ना इनमें तुक्के लगाने होते कि भाई ये नहीं ये हो सका ये नहीं हो सका, इस तरह आप सवाल हल कीजिए और आंसर जो भी आंसर मैच करे तो उस पर टिक का निशान लगाना होता है, अगर आंसर मैच नहीं करता तो आपका कहीं ना कहीं जो आंसर है वो गलत है। तो स्टूडेंट कौन सा है, सेकंड वाला, सेकंड वाला ऑप्शन सही है जी। अब सी वाला देखता है जी, 100 more than 99,999 equal, ठीक है जी, तो नुक्की ये कह रहा कि अगर इस डिजिट में 100 ऐड कर दिया जाए, मोर कर दिया जाए, इन्हें ज़्यादा कर दिया जाए 100, तो स्टूडेंट क्या आंसर आएगा, तो इसके लिए आप देख लीजिए 9995 थे स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे 100 ऐड करेंगे, तो 9 9 10 10 और 10, तो ये आंसर आ गया। तो ये आंसर कौन सा है जी, देख लीजिए आप 1099 है ना, तो ये वाला ही है स्टूडेंट, 3 0 है, 9 है, 9 है। ठीक है जी, पहले आपको क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए, यानी कि इस संख्या में अगर 100 और
मोर माने ज्यादा कर दिया जाए, संख्या को 100 ज्यादा कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होगी? तो स्टूडेंट इसके सेकंड ऑप्शन के इक्वल होती है। ठीक है जी, अब है व्हाट इज द 500 प्लस 15 टेंस। देखिए स्टूडेंट, आपको 15 टेंस दिया है तो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें आपको रीग्रुपिंग करनी होगी। ठीक है जी, तो क्या दिया 500, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे 500 लिख लेंगे और इसमें कितने करना 15 10। तो स्टूडेंट ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, 15 10 है। देखिए ये 15 10s है, तो आप जानते हैं 10 दिया तो 10 से 1 करेंगे, ये 10 है, ये 100 है। ठीक है, तो 10 के नीचे क्या आ जाएगा 5 और 100 के नीचे क्या आ जाएगा जी 1। तो अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 0 को 0, 5 को 5 और 5 और 1 6। तो स्टूडेंट ये पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा राइट। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के साथ ही आपका ये चेक योर सेल्फ खत्म हो गया है और साथ ही FA1 का कोर्स भी कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो फिर भी किसी क्वेश्चन में, तो उसके लिए आप WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं, फिर कॉल भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।